भाई हम अपने के लिए ग्लोथ में आए हैं, हमसे गलती हुई थी, हमारे मुंह से निकल गई कि हमारी क्या चल रहा है, हो गया यार आदमी कहीं चक्कर है, हमें तो लगी यू हमें संभालेगा या ना, तो शुरुआत में ऐसे भैया अपने घर को जा। तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर एक नई वीडियो में। तो आपको पता ही होगा भाइयों, रात को वीडियो स्टार्ट करने का मतलब, और टाइम 3:02, मतलब कि हम जा रहे हैं मालदीव अपनी साउथ एशियन चैंपियनशिप के लिए। तो मैं घर से निकल चुका हूँ, अभी रास्ते में हिमांशु को लूँगा, देन उसके बाद टाइगर भाई को लूँगा, और चार जा रहे हैं मैं संजू भाई। ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं 2 बजे, क्योंकि वो वहाँ से आए थे पंजाब से, और थोड़े से नर्वस है, थोड़े से एक्साइटेड है। जैसा कि आपको लास्ट बताया था, नर्वस इसलिए है कि पूरा 100% नहीं दे पाया मैं हाथ में चोट लगने की वजह से, और एक्साइटेड इसलिए हूँ कि दोबारा स्टेज पर चढ़ेंगे और जो लास्ट के 2 दिन होंगे उन्हें जीने का अच्छे से मौका मिलेगा। तो देखो जो भी होगा, जैसा होगा अच्छा होगा, बस आप लोगों की थोड़ी विशेष चाहिए, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखो। नीचे मुझे अपने भाई को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप अच्छी सी दुआ दे सको वो दो, बाकी इतना मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो चलो निकल चुके हैं, जल्दी से चलते हैं। 3:06 हो रहे हैं, अमाउंट थोड़ा सा डिपॉजिट करा दे भाई। ये बड़ी भसड़ है, कितनी भी जल्दीबाजी कर ले, मतलब यहाँ तक पहुँच गए थे थोड़ी बहुत हिमांशु को लेने तक, 2 मिनट में अपना याद आएगी मैं अपना पासपोर्ट ही भूल गया घर, तो पासपोर्ट ले आया। और अगेन कितनी जल्दी कर लूँ मैं, आज बिल्कुल टाइम से निकला था 3 बजे, क्योंकि 5:30 की फ़्लाइट है। मैंने कहा 1 घंटे 20 मिनट में टाइगर भाई वगैरह सबको उठा लेंगे, बट वही कि सही है, यहीं याद आया एयरपोर्ट पे आता था तो दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ती, तो खींच के चल रहे हैं बिल्कुल गाड़ी को। चलो 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 बोलो जी भाई, आगे टाइगर भाई ये खड़े। चलो भाई, कितना वेट करा अपना? मेरा करा था 3 बजे से वेट, 3 बजे से 3:45 हो गए, 3:55, 5 बजे की फ्लाइट पहुंच जाएंगे भाई, लेट हो गए 5 बजे की। कोई इंटरनेशनल फ्लाइट डोमेस्टिक है पहले हमारे, डोमेस्टिक है यहाँ से मुंबई, मुंबई से मालदीव। मैं पासपोर्ट भूल गया घर, फिर आप आधे रास्ते तो मैं पासपोर्ट ले नहीं, मुझे आप लोग मुंबई से ही अलविदा करनी पड़ती। सही है, हिमांशु मैंने बाहर उतार दिया सोडा लेने को, नींद में हो आप अभी? हाँ यार, मैं रात को 2 बजे तक सोया, 2:30 बजे सोई का हूँ मैं, तो सोया ही ना हूँ मैं, तो फ्लाइट में सोऊंगा। चलो देख रहे क्या जीवन जी रहा भाई, स्ट्रगल है स्ट्रगल। देखना भाई वो भीड़ एयरपोर्ट पे, आधा घंटा हो गया खड़े हुए, मुझे लग रहा सुबह ही जा रहे सब। दिल्ली के एयरपोर्ट पे ये रिबोर्डिंग पास, इतनी हालत ख़राब हुई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग आज ही मुंबई जा रहे हैं, पता ना कहाँ जा रहे हैं भाई, सुबह की 5:30 की फ्लाइट है, कोई टाइम ऊपर है, कोई नहीं चलो हम यहाँ से चल रहे हैं। तो खाने का कुछ नहीं है, किस्मत अच्छी थी सोडा अंदर लेके आ गए, हमने घर से खरीदा था, बाकी अंडे वगैरह रखे हुए हैं बैग में, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है अभी, देखेंगे मुंबई पहुँचेंगे तब। भाई और संजू भाई गए अंदर चेकिंग में, भैया हमें बुला रहे हैं। भाई ये जो कह रहा है, क्या कह रहा है जल्दी बताओ, गोरा हो रहा हूँ मैं? एकदम गोरा, एकदम पूरा जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, एक जमीन एक आसमान। गोरा हो रहा है तो हम लोग टिप्स देंगे, लेकिन रात को निकाला गया कंपनी से, तो भाई पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट का सफर रहा बहुत ही ज्यादा, मतलब यहाँ से फरीदाबाद से मुंबई तक का सफर रहा बहुत ज्यादा डेंजर, और जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वो हुआ टायर पीछे ज्ञान दे रहा है। मैं गोरा रहा हूँ, मैं भाई आपको ये बता रहा था, जो हमारा मुंबई तक का सफर था भाई, मैं इसी से डर रहा था सुबह से जब मैं घर से निकला था, क्योंकि बिना खाए पिए ट्रैवल करना था पूरा अपना। बट ये छोड़ो, पहले ये बताओ जो अंकल आपके साइड में था वो उसके साथ क्या सारा सफर भाई? हाँ मैं था, संजू भाई थे, और हिमांशु टाइगर भाई आए थे, तो मेरे साथ में एक अंकल बैठे थे। मैं 3 बार सोया हूँ 2 घंटे की फ्लाइट में, अंकल ने मेरी 3 बार इतना मेरा ख्याल रखा है कि एक बार मुझे खाने को पूछा है, एक बार मुझे कॉफ़ी को पूछा है, उठा उठा के कि ले लो ले लो, मैंने कहा सर सोन दो थोड़ी देर सोन दो बस,
तो चलो चले गए भैया आगे मुंबई एयरपोर्ट, और यहाँ पे बैग तो मिलेगा नहीं क्योंकि बैग में खाना पीना रखा है अपना सारा, तो उस चीज़ का भी दुख है क्योंकि 10 अंडे रखे हैं बैग में, एक बैग मेरा एटाक रखा है, इसमें 3 सेब है, कीवी है और प्रोटीन है, तो अभी एक एप्पल खाएंगे, एक चम्मच प्रोटीन पियेंगे, बाकी 8-10 अंडे अपने मालदीव में मिलेंगे उन्हें वहाँ पे खाएंगे। टाइगर भाई आ रहे हैं पीछे, बहुत पीछे रह गए हो तो चलो, गेट कौन सा बता रहे हो? चलो भाई पहले यहाँ से चलते हैं फिर। तो भाई सबका तो चल रहा है सब्जी पे, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडे मैंने खा लिए थे फ्लाइट में और एक ही एप्पल, और साथ में मैंने कैरी कर रखा है अपना डॉक्टर चॉइस का 3-way फ्यूजन, इसको लेंगे, इस पानी में मिला दिया फिर तुम्हें। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन प्रॉब्लम सारी ट्रैवल की प्रॉब्लम इसलिए है कि सुबह घर से 3 बजे के निकले और अभी लगा लो कितने टाइम हो गया, 9:30 तो मतलब वही अभी यहाँ से फ्लाइट हमारी मुंबई से मालदीव की 4.5 घंटे की और, तो वही 1:30-2 बजे पहुँचेंगे, तो यही सोच के डर लगा था। एक स्कूप डालिए बस, ये रहा भाई प्रोटीन, और ये देखो सुबह सुबह भाई के मजे सबवे, हाय हाय वो क्या जो है भाई का भाई का दे आलू टिक्की है, आलू टिक्की सैलेड सही है, मजे सुबह सुबह भाई हम मत निकले एक लोट में आए हैं, हमसे गलती हुई थी हमारे मुंह से निकल गई कि हमारी क्या चल रहा है, आदमी है कहीं चक्कर है, मजा लगी यू हमें संभालेगा या ना, तो शुरुआत में ऐसे भैया अपने घर को जा फ्लाइट में 200 बंदे और गालियां दे रहे हैं इनकी वजह से लेट हो रही है, मैं तो जाऊंगा भाई सोडा ले रहा है चुप्पे, जब से चुपू है वो आदमी लीजिए भाई पहुंच गए मालदीव्स, ये है मालदीव्स का एयरपोर्ट, चलो अब चलते हैं जल्दी से भाई, खर्चा बढ़ाया जा रहा है, कितने के एसएम 4.5 इंडिया के हिसाब से, कितने लिए हमने, 1, 2, 3, 4 यू भी हमारा ही है, 5 सिम होगी भाई, 20,000 रुपये की सिम सिम होगी, बॉल 25,000 की होगी, 23,000 की होगी मोटी मोटी अपने यहाँ घुसते ही, चलो जी ये रहा है जी, वो तो 4 दिन तो हमें है ही, 1 हफ्ता और क्या करेंगे, रुक है बिजली का तो वो लगा मेरे घर का टोटली 4,500 रुपया दी गया जो था पैदा हुआ, चलो ये लो भाई पहुंच गए, निकल गए बाहर एयरपोर्ट से, और देखो पानी का सुन भरा कितना साफ है एकदम, चलो चलते हैं होटल भाई, होटल चल रहे हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, पे खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, 2 टैक्सी आई, दोनों में नंबर नहीं आया, मैंने कहा चलो जाने दो आराम से चलेंगे, तो चल रहे हैं होटल, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आप लोगों को रूम दिखाता हूँ, और अभी तक वही 6 अंडे खाए हैं जो आप लोगों को बताई थी, बाकी बैग में रखा हुआ सामान अभी वहाँ पर देखते हैं, फिर बाहर का यही प्रॉब्लम है भाई, खाना और ट्रैवल मारता है वो सबसे ज़्यादा,
चलिए भाइयों मिल गई कैब अपनी पर्सनल ही करे में जो ऑफिशियल्स वाली थी उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। बीच बीच आए बैठे मार के बैठा दो ऐसे बैठे सारे देखो पैर बिल्कुल ये रहा अपना ट्रैक सूट मिल गया नितिन चुंगला ट्रिपल एक्सल दिया भाई डबल से भी ट्रैक सूट तो भाई ये रूम किया है फेडरेशन ने ये बेड मेरा ये भाई का ये अपना फ्रिज और ये बाथरूम ठीक है जी चलो ये बस रोटी रखना छोटा सा। तो भाई ये होटल समझ नहीं आया तो जो मैंने अपना बुक करा रखा है वहाँ जा रहा हूँ अपना ईयर एंड पे भाई ड्रॉप कर रहे हैं ये बड़ी मुश्किल से मिली भाई आधे घंटे बाद टाइगर भाई संजू भाई और हिमांशु ऑलरेडी उसी होटल में बस ये मैं देखने आया था कि अच्छा लगेगा तो यहीं रुक जाएंगे अदरवाइज वहीं चलेंगे तो रूम बहुत छोटा है और किसी नए आदमी के साथ एडजस्ट भी नहीं हो पाऊंगा तो मैंने कहा अपने ही रूम में चलते हैं खाना पीना सब वहीं देख लेंगे। चलो अभी तो आँखें देख के पता लग रही होगी कितनी हालत ख़राब है और गर्मी यहाँ भी सेम ही लग रही है। तो लो जी भाई वो पहुँच गया ये देखो आप रूम देखो हमारे इसमें भी सेम वही और इन कमरों की कीमत है 1,10,000 चार नाइट। हाँ जी सर चार नाइट। सर तो टेढ़े हो लिए ओहो <तुम को>? बाथरूम ये फिर भी बेटर है भाई बोलो सुनो भाई ना फ्लाइट में हम तो कैसे घूम रहे हो यार। तो भाई रेस्ट हुआ कंप्लीट और सो के उठ चुके हैं और अब जा रहा हूँ मैं सीधा जिम। टाइम 7:30 हो रहा है अभी तो पहले जिम चलते हैं उसके बाद डिनर करेंगे और सुबह से दो ही बार अंडे खाए एक बार जो 14 अंडे जो मैं घर से लाया था 6 फ्लाइट में और 8 अपने होटल में आके तो चल रहे हैं जिम करेंगे अपनी ट्रेनिंग देन उसके बाद एथलीट्स का जो खाना होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो मिलते हैं जिम में और ठीक है जी थोड़ा नीचे का हिस्सा रहेगा इसे भी करेंगे सेट। चलो लो जी भाई निकल गए अपना होटल से और चल रहे हैं जिम बाय वॉक करते हुए। यहाँ से जिम का रास्ता है 6 से 7 मिनट। टैक्सी भी ले सकता था मैंने कहा बट ठीक है कार्डियो हो जाएगा थोड़ा सा तो चलो पैदल ही चल लेते हैं क्योंकि ट्रेडमिल वगैरह पर तो करने का वैसे मन नहीं करता। चलो तो भाई ख़त्म हुई अपनी ट्रेनिंग इतना ही था ट्रेनिंग सेशन जो भी था थोड़ा सा कार्डियो कर लिया 25 मिनट वॉक करके आया था वो और 10 मिनट ये मतलब 35 मिनट कार्डियो हो गया 6 से 7 एक्सरसाइज हो गई खाली बॉडी को पंप करने के लिए। और सारे यहाँ पे नए लोग हैं तो थोड़ी शर्म से आ रही थी किसी को बोलने में कि भाई मेरा वीडियो बना दो तो मैंने कहा ठीक है अपना ट्रेनिंग करने आए ट्रेनिंग करते हैं और ठीक ठीक ट्रेनिंग हो गई ये नहीं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। नया जिम था एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा बट 25 से 30 मिनट वही 5 से 6 एक्सरसाइज करी पूरी ओवरऑल बॉडी की 2 लेग्स की करी 1 बाइसेप की 1 चेस्ट की और 2 बैक की। तो चल रहे हैं हम कल करेंगे शोल्डर वगैरह और देखेंगे कार्डियो भी करते हैं तो बाकी चलो चलते हैं अब ख़त्म ट्रेनिंग। चलो तो लीजिए भाई अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके डिनर करके आ चुका हूँ दोबारा अपने रूम में। टाइगर भाई वगैरह सारे खाने गए हुए हैं बाहर तो रास्ते में वीडियो बनाता तो सही बट इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और माइक मेरे पास है नहीं तो काफ़ी सारा बढ़िया हो गया। जो जिम की फीस थी वो थी पर टाइम मतलब एक टाइम की दो मालदीव के 200 रुपये मतलब अपने इंडिया के 950 से 1,050 रुपये इतना था। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं ट्रेनिंग भी अच्छी होगी। डिनर करने में वहाँ पर इसलिए गया क्योंकि वो भी 1 किलोमीटर था पूरा कि वहाँ पर सारे एथलीट्स रुके हुए हैं तो मैंने कहा डिनर भी वहाँ पे वो देखा आप लोगों ने पूरा बिल्कुल प्लेन खाना मतलब ये वाला खाना मैं यहीं आके खा पाता हूँ क्योंकि घर तो थोड़ा टेस्ट वेस्ट ढूंढ लेता हूँ तो इसलिए बचा रहता हूँ बट यहाँ पे 2 या 3 टाइम का खाना ही पूरा दिन निकाल देता है मेरा। तो अब करते हैं रेस्ट बहुत ज़्यादा थके हुआ हूँ क्योंकि पूरा दिन ट्रैवल में चला गया अच्छी सी ट्रेनिंग भी होगी कार्डियो भी होगी और पता नहीं बाहर आते ना शरीर पूरा अपने आप टूटना सा लगता है। तो यही था अपना आज का पूरा दिन आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। कल है अपना वेट और देखेंगे जो भी होगा जैसे होगा और 9 तारीख को है अपनी चैंपियनशिप खेलूँ ना खेलूँ वो भी बाद की बात। तो चलो।